प्रदेश मत्स्यजीवी सहकारी समिति के चेयरमैन वीरू साहनी ने निषाद राज जयंती के अवसर पर रुस्तमपुर स्थित निषाद राज मंदिर पर पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश मत्स्यजीवी सहकारी समिति लिमिटेड लखनऊ के चेयरमैन वीरू साहनी ने बताया कि पूरे देश में 5 अप्रैल को निषाद राज जयंती मनाया गया है। आज का दिन निषाद समाज के लिए गौरवशाली दिन है। हम निषाद समाज के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और आगे बढ़ाएं। ऐसे लोग दो रोटी कम खाएं लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। उन्होंने कहा, निषाद राज की जयंती में लगभग 1000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए हैं जो कि दूर दूर से आए हुए थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए उत्तर प्रदेश मत्स्यजीवी सहकारी समिति लखनऊ लिमिटेड के चेयरमैन वीरू साहनी ने कहा, आज निषाद राज जयंती निषाद समाज के लिए बहुत गौरवशाली का दिन था और हमारे निषाद समाज की उपस्थिति सभी युगों में रहा है। निषाद समाज को हम ये मैसेज देना चाहते हैं, निषाद समाज से निवेदन करना चाहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षा दें और संगठित रहें। दो रोटी कम खाएं लेकिन बच्चों को पढ़ाएं। आज कितने लोग शामिल हुए? कार्यक्रम में लगभग 1000 की संख्या लगभग रही होगी और गोरखपुर से दूर दूर से आए हुए थे निषाद समाज के लोग। सब लोग आए थे, बहुत धूमधाम से मनाया गया, बहुत ही अच्छा लगा। कुछ संदेश देना चाहेंगे आज के दिन समाज के लिए? मेरे तरफ से यही एक संदेश है, निवेदन भी है, आग्रह भी है कि अपने बच्चों को शिक्षा दें, पढ़ाएं। मेरा नाम वीरू साहनी है, हम उत्तर प्रदेश मत्स्यजीवी सहकारी संघ के चेयरमैन हैं।